AIMIM ऑल इंडिया मजलिस ए इतहदुल मुस्लिमीन प्रमुख और लोकसभा सांसद असुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि देश में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC को लागू करने की दिशा में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR पहला कदम है। ओवैसी ने कहा कि वह लोग नागरिकता अधिनियम 1955 के मुताबिक NPR करने जा रहे हैं, तो क्या यह NRC से जुड़ा हुआ नहीं है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं? उन्होंने मेरा नाम सांसद में लिया और कहा ओवैसी जी NRC को पूरे देश में लागू किया जाएगा। अमित शाह साहब, जिस वक्त सूरज पूर्व दिशा से उगता रहेगा हम सच बोलते रहेंगे। NRC के लिए पहला कदम है NPR। जब अप्रैल 2020 में NPR पूरा हो जाएगा अधिकारी डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछे जाएंगे, फिर आखिरी लिस्ट NRC में आएगा। मंगलवार 24 दिसंबर को ही समाचार एजेंसी ANI के साथ एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था कि NPR का NRC से कोई लेना देना नहीं है। ओवैसी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर ओवैसी जी के रुख से मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं। अगर हम कहते हैं कि सूरज पूर्व दिशा से उगता है तो ओवैसी साहब कहेंगे कि यह पश्चिम से उगता है, लेकिन मैं ओवैसी जी को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि NPR पूरी तरह से NRC से अलग है और ये दोनों आपस में नहीं जुड़े हैं। गृह मंत्री ने कहा कि NPR और NRC के बीच मूलभूत अंतर है। NPR जनसंख्या का रजिस्टर है, इसके आधार पर अलग अलग सरकारी योजनाएं बनती है, लेकिन NRC में हर व्यक्ति से दस्तावेज मांगा जाता है कि आप किस आधार पर भारत के नागरिक है। NPR में कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। अगर कोई जानकारी मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, हाँ इसमें आधार कार्ड की जानकारी देने का प्रावधान है। किसी के पास आधार है तो नंबर देने में हर्ज क्या है? NPR का कोई डेटा NRC के प्रयोग में आ ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अगर किसी का नाम NPR से गायब है तो भी उसकी नागरिकता को खतरा नहीं होगा।